राधा का पत्र मेरे लिए। असुर श्रेष्ठ हंस का अभिवादन, मुझे तुम्हारा विवाह प्रस्ताव स्वीकार है। मैं स्वयं इस विवाह के सारे प्रबंध देखूंगी। आगे की बात करने के लिए तुम्हें द्वारका उपस्थित होना होगा। राधा, डिंबक, मेरी शादी हो रही है। डिंबक, क्या सोच रहे हो कृष्ण? एक राजा अपनी प्रजा की सुरक्षा के विषय में सोच रहा है, कैसे सबको सुरक्षित रखा जाए। क्या बात? मुझे पूर्ण विश्वास है कि कोई ना कोई मार्ग अवश्य ढूंढ लोगे। तुम अकेले नहीं हो, मैं हूं तुम्हारे साथ, और इस समस्या का समाधान भी हम मिलकर निकाल लेंगे, जैसे सदैव निकालते आए। चलो अब थोड़ा विश्राम कर लो, थोड़ी निद्रा ग्रहण कर लो। कैसे कहूं कृष्ण कि मैंने इस समस्या का हल तुमसे बिना पूछे ही निश्चित कर लिया है, पर क्या करूं, तुम्हें चिंता में घुटते नहीं देख सकती। तुमने कुछ कहा रहा था? नहीं तो? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम यहाँ कुछ कहने आए थे? नहीं, कुछ भी तो नहीं। यदि कुछ कहना है तो कह दो। मैंने कुछ सोचा है, कुछ बताना है तुम्हें। कल ना सभा में समय से आ जाना। अब राधा को कृष्ण को कुछ कहने के लिए राज सभा में आने की प्रतीक्षा करनी होगी? अभी बता लो। नहीं, अभी नहीं। संसार की कोई बात, कोई भी सत्य तुम्हारी मन की शांति से या विश्राम से बढ़कर नहीं है कृष्ण। इसलिए जो भी बात होगी भोर में होगी। मेरी इतनी चिंता करती हो राधा, तुम व्यर्थ में इतनी चिंतित हो। हंस के इस समस्या के लिए कोई ना कोई हल निकल जाए। दुविधा में, यदि ऐसे में उसे मेरे इस निर्णय के विषय में भान होगा तो कहीं वो व्यथित ना हो जाए। कृष्ण की इस दुविधा का कारण भी तो मैं ही हूँ ना। हे महादेव, मुझे शक्ति देना, क्योंकि मेरी समझ में इस समस्या का हल केवल यही है। राधारानी के पैर छुओ। बहुत बहुत धन्यवाद राधा रानी, आज आपके कारण हमारी संतान लौट गई। राधा रानी की जय, राधा रानी की जय, राधा कृष्ण की जय। राधा रानी, आपका ये उपकार हम द्वारिकावासी आजीवन नहीं भूलेंगे। राधा रानी की जय, राधा रानी की जय। मेरा छोटा सा त्याग इन सबके मुस्कान के आगे कुछ भी नहीं है। आशा है तुम समझ पाओगे कृष्ण कि राधा ने जो भी किया अपने कृष्ण के लिए किया है।
योद्धा अब द्वारका के निकट शत्रु किसी भी क्षण किसी भी ओर से कभी भी आक्रमण कर सकता है, इसलिए हमें प्रत्येक क्षण युद्ध के लिए सज्ज रहना है, सतर्क रहना है। वो हंस भी तो देखे कि उसका पाला किस सेना के साथ पड़ा है। संसार की सबसे शक्तिशाली सेना द्वारका की नारायणी सेना से हम सब सज्ज हैं, हम सब सज्ज हैं। ये किसका सामान, किसने भिजवाया? ये भिजवाया नहीं, लेकर आया हूं। आशा नहीं थी कि द्वारका में मेरे स्वागत के लिए इतने लोग उपस्थित रहेंगे। तुम कुछ अधिक है दुस्साहसी, हमारी द्वारका में पुनः प्रवेश कर गए तुम, किंतु अब बचकर नहीं जा पाओगे तुम। अरे अरे अरे, रुकिए रुकिए हल्दार, जब देखो युद्ध के लिए तैयार रहते हो, अरे हल उठाने से पहले बुद्धि के खिड़की से पर्दा भी हटाया करो। देखो तो मैं क्या युद्ध सामग्री लेके आया हूँ? नहीं ना, मैं संबंध की आशा में आया हूँ और आप समापन में लगे रहते हो। ये विवाह का शगुन है और स्वयं वर उपस्थित हुआ है अपने वधू के लिए। यदि विवाह तुम्हारा है तो तुम हमारे राज्य में क्या कर रहे हो? ये सब लेकर यहाँ द्वारका क्यों आए हो तुम? अब ये कहानी बताकर समय क्यों नष्ट करे, कुछ समय में सब जान जाएंगे। अब चलिए महल में बैठ के बात करते। महल में बैठकर बात करेंगे? अपने शब्दों को पूर्ण विराम दो। रुकिए दाऊ, रुकना इसे चाहिए राधा। द्वारका में प्रवेश करके इन्होंने अपनी पूर्ण सीमाएं लांघ दी। यह अतिक्रमण है। अतिक्रमण नहीं है दाऊ, निमंत्रण है। मैंने इन्हें बुलाया है। राधा, तुमने इन्हें निमंत्रित किया, किंतु क्यों? आप आइए मेरे साथ, ज्ञात हो जाएगा। हंस, सिंबक, आओ। प्रजा कितनी प्रसन्न लग रही, क्या बात हो सकती? प्रतीत होता है श्री कृष्ण ने इनकी किसी समस्या का समाधान किया है। अब मुझे बताइए कि इस जय जयकार का कारण क्या है? आपने और श्री राधा रानी ने मिलकर हम द्वारका वासियों की समस्या का हल कर दिया, चमत्कार कर दिया। मैंने तो कुछ नहीं किया, अवश्य ही राधा ने कुछ किया होगा। हुआ क्या? असंभव को भी संभव कर दिया है राधा रानी ने। आज राधा रानी के कारण हंस ने बंदी बनाए गए द्वारिका वासियों को स्वतंत्र कर दिया है। राधा रानी की, राधा रानी की, राधा रानी की, राधा रानी की, राधा रानी की।
तेरा यहाँ आने का मंतव्य मैं समझा नहीं। ये तो महान लोगों का गुण है, उपकार करके जताते नहीं। आप अपने प्रजा के लिए कुछ भी कर सकते हो और ये आज आपने सिद्ध कर दिया है। ऐसा क्या हुआ है? इस प्रश्न का उत्तर मेरे पास है। मैंने एक बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। मैं हंस से विवाह करूंगी। मैं हंस से विवाह करूंगी। मैं हंस से विवाह करूंगी। उसके बदले में द्वारकावासी जो उसने बंधी बनाए हुए थे उसे मुक्त कर दिया है। क्या कर दिया श्री राधा ने? हंस के साथ विवाह करने के लिए हाँ कर दी? हाँ महाराधा, ये तो अनुचित है। तुम्हें ये सब करने की आवश्यकता नहीं है राधा, क्योंकि इन दोनों को मैं अभी इसी क्षण हमारी द्वारका और इस अंसार से सदा सदा के लिए विदा देने वाला हूँ। रुकिए दाऊ, अब ये हमारे शत्रु नहीं है, अतिथि है। अतिथि पर प्रहार नहीं करते, उनका सत्कार करते हैं। अब हम इस संबंध का आरंभ कल सुबह प्रतिदान करके करेंगे। राधा, क्या हम एक दिवस के लिए यहाँ रुक सकते हैं? हाँ। मुझे ज्ञात है राधा कि तुमने इतना कठोर निर्णय क्यों लिया है। तुम द्वारका वासियों का दुख मेरी ये दुविधा देख नहीं पाई और इसीलिए तुम ऐसा बलिदान देने जा रही हो। राधा सुनो तो सही। राधा तुम्हारा निर्णय उचित नहीं, इस विषय पर एक बार और सोचो। मैंने जो निर्णय लिया है मैं उस पर अडिग हूँ। श्री कृष्ण के प्रेम पर, उनके वचन पर विश्वास ना करके एक असुर की धमकी से डर के तुमने उचित किया रहा था। श्री कृष्ण पर विश्वास ना करना कि वो सब कुछ ठीक कर देंगे, तुमने उचित किया। बिना श्री कृष्ण से या हम में से किसी से भी विचार विमर्श किए इतना बड़ा निर्णय ले लिया तुमने राधा, ये उचित किया तुमने। राधा तुमने चाहे जो कुछ भी सोचा और जो तुमने किया है क्या वो उचित है? मैं केवल इतना जानती हूँ कि मैंने जो भी किया है कृष्ण के लिए किया है, जिसके समक्ष एक और महादेव के वर का मान रखने की चुनौती थी और दूसरी ओर द्वारका वासियों की सुरक्षा का बंधन। राधा तुम समय देती ना, श्री कृष्ण अवश्य ही कोई ना कोई मार्ग निकाल लेते। समस्या मार्ग की नहीं थी रुक्मिणी, समस्या तो समय की थी। समय नहीं है द्वारका के बंदी के पास, उनके प्राण उनका धर्म सब संकट में है। और कृष्ण के पास कोई सुझाव इसलिए नहीं था क्योंकि वो अपने आराध्य के वर के विरुद्ध नहीं जा सकता, इसलिए मुझे कदम आगे बढ़ाना पड़ा। और तुम्हारे निर्णय से कृष्ण को जो कष्ट पहुंचा है उसका क्या? बड़े कष्ट को काटने के लिए ये छोटे कष्ट मुझे कृष्ण को देने ही होंगे रेवती।